यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग यातायात उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने दुर्ग बस स्टैंड पहुँच चालक व परिचालकों की बैठक लेकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के उद्देश्य से सोमवार को दुर्ग के बस स्टैंड में यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने सभी बस चालकों व परिचालकों से चर्चा कर बताया कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, साथ ही बिना वर्दी के वाहन ना चलाएं, स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हुए ओवरटेक ना करें और निर्धारित स्थान में ही वाहन खड़ा करें, साथ ही नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा न करने की भी समझाइश उन्होंने दी और नंबरिंग गाड़ी को ही बस स्टैंड रखने को कहा। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर, दुर्ग जोन निरीक्षक यशकरण धुर्वे, प्रधान आरक्षक ठाकुर राम साहू, आरक्षक राजेश वर्मा सहित बस चालक व परिचालक बड़ी संख्या में शामिल रहे। यातायात पुलिस के द्वारा जो बसें हैं, सिटी बस हैं, उसमें चालक और परिचालकों को हम लोगों ने बैठक ली है और उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितना अच्छा डिसिप्लिन रहेगा उतना अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो सभी ड्राइवर्स को बताया गया है कि जो निर्धारित स्थान है, चौक चौराहों में जो जगह है, वहाँ पे वाहनों को पार करें, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाएं, नियमों का पालन करें और जो लगातार दुर्घटनाएं होती है उसको हम लोग किस प्रकार रोक सकते हैं और सवारियों से एक अच्छा व्यवहार करें और अनुशासन देखने को मिले, तो निश्चित रूप से जो सड़क पर जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने सभी चालकों को और परिचालक को भी हिदायत दी है कि जो उनके जो दस्तावेज हैं उसको भी पूर्ण रखें, बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलाएं और यदि कोई शराब पी के मिलता है तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए जो बस मालिक हैं उन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि यदि कोई ऐसा इस प्रकार का मिलता है तो जरूर उस पर कार्रवाई करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।